तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए रोहित से। रवि वर्मा तकरीबन 40 साल की उम्र का एक पुरुष और एक 22-23 साल की खूबसूरत लड़की सीमा। पहले इन दोनों के बीच प्रेम हुआ, फिर रवि वर्मा ने सीमा से कहा कि उसे रोहित से शादी कर लेनी चाहिए। कौन था ये रोहित और कैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बाहों में भरकर किसी और से शादी करने के लिए कह सकता है? क्या ये किसी साजिश की शुरुआत थी या फिर एक प्रेम कहानी का अंत? दोनों ही सूरतों में कोई गुनाह तो होने जा रहा था, एक जुर्म जिसमें कोई शिकारी था और कोई शिकार। इस कहानी की तह में जाने के लिए हमें पहले जानना होगा कि रवि और सीमा की मुलाकात कैसे हुई। इस मुलाकात की वजह थी एक्टिंग का वही जुनून जो हजारों नौजवानों को मुंबई की ओर खींच लाता है। सीमा भी उन्हीं हजारों लोगों में से थी जो एक्टिंग की दुनिया में बड़ा मकाम हासिल करने का सपना लिए इस माया नगरी में आते हैं, और उसके इस सपने को पूरा करने के लिए उसे सहारा दिया रवि ने। रवि वर्मा आशियाना टेलीफिल्म्स का एक नामचीन प्रोड्यूसर। मॉर्निंग सर। हे रोहित, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड गुड। क्या बात है सर, आज बहुत खुश लग रहे हो। ए सर, आप तो चैनल गए थे ना, एनी गुड न्यूज? तू तो अच्छी तरह जानता है रोहित, पिछले 6 सालों में हमने 12 सुपरहिट सीरियल दिए, कितने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को खाक से उठाकर आसमान पर स्टार बनाकर रख दिया। किसने? रवि वर्मा ने। एंड यू नो व्हाट, चैनल ने मुझे एक और सीरियल ऑफर किया है, पद्मिनी, और अगले महीने उसका लॉन्च है। सर, आर यू सीरियस? या सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। सर, आपने मैम को इन्फॉर्म किया? ऑफ कोर्स, मैडम से बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे मैं कभी कुछ कर सकता हूं क्या? यूएस में बैठी है मैडम, लेकिन फिर भी हर बात का टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए। ये ब्रेसलेट भेजा है मुझे पास। बट यू नो व्हाट रोहित, ये सब चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तुम, और जिस तरह हर बार तुमने मेरा साथ दिया है, आगे भी तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सर, आपने भी तो इस अनाथ को कहां से कहां पहुंचा दिया। एनीथिंग फॉर यू सर, आपके लिए पद्मिनी मैं लाऊंगा, समझो कि आपको पद्मिनी मिल गई। धोखा दिया है तुमने मुझे, सपने तुमने मुझे दिखाए और जिंदगी जीने किसी और से चले गए। ऐसा नहीं चलेगा, खिलौने समझ के यूज किया हमने। नहीं चलेगा, मैं चतुर हूं, मैं तो बस एक पद्मिनी हूं सुरेश। गुड गुड। रसून, वो कल और भी ऑडिशंस है, काफी लड़कियां आने वाली। ओके, या हेलो सर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द प्रेशर सर। किसी की लड़की की शक्ल है तो एक्टिंग नहीं, और किसी की एक्टिंग नहीं तो शक्ल नहीं। ओके ओके फाइन। सर, पैकअप करेंगे? ऑप्शन है। एक्सक्यूज मी, I'm so sorry sir. Actually, बारिश हो रही थी इसलिए मुझे रिक्शा नहीं मिला और देर हो गई। I'm really sorry sir. Sorry, it's okay. मैं आपका ऑडिशन ले लूंगा, don't worry. Thank you sir. कैमरा ऑन कर, I'll take out the script, okay? अच्छा, आप अपना सिर्फ नाम और प्रोफाइल, ओके? उसके 2 सेकंड के बाद परफॉर्मेंस। या हाय, आई एम सीमा एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। रेडी, एक्शन। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, तुमने कट 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 डायलॉग्स को थोड़ा फील कीजिए, इमोट कीजिए। ओके ओके, एक्शन। तुमने, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, तुमने मुझे धोखा दिया।
कट इट कट कट आएगा आएगा सर 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 प्लीज सर सीमा सर मुझे एक मौका दीजिए सर सर प्लीज मैं बहुत मेहनत करूंगी सर सीमा तुम मेहनत तो कर लोगी एक्टिंग कहां से लाओगी मैं सीख लूंगी सर अच्छा यू मीट मी इनसाइड ओके सर वो कल के ऑडिशन वाली लड़की सीमा वो आई है कह रही आपसे मिलना चाहती है उसे को बाहर ही वेट कर मैं आता हूं ओके सर कहो सीमा आपने मेरा ऑडिशन देखा था मैंने ऑडिशन देखा तुम्हारा देखो सीमा मैं झूठ नहीं बोलूंगा वेरी सॉरी टू से दिस बट जहां से आई हो वापस चली जाओ अरे इतनी खूबसूरत हो पढ़ी लिखी हो किसी अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाओ सेटल हो जाओ ये आप क्या कह रहे हैं सर मतलब मैंने जो सपने देखे थे एक एक्ट्रेस बनने के उन सबको मैं भुला करके किसी के साथ सेटल हो जाओ मैं मानती हूँ शायद मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ पर अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं बहुत मेहनत करूंगी सर मैं बहुत मेहनत करके एक्टिंग सीख जाऊंगी सर सर आपको भी तो किसी ने पहला ब्रेक दिया होगा ना सर तभी तो आज आप इस पोजीशन पर हैं आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ सर पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी या हेलो सर रोहित मुझे चैनल से बार बार फोन आ रहा है पद्मिनी मिली कि नहीं सर मिल जाएगी मैं लड़कियों के ऑडिशंस ले रहा हूँ रोहित आई वांट टू सी ऑल द ऑडिशंस टुमारो ओके ओके सर फाइन जी मेरा नाम काजल है खिलौने हैं क्या हम जब चाहे जब आपने खेल लिया जब चाहे जब आपने हमें छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा ये लड़की धोखा दिया तुमने मुझे अरे तुम्हें कहा था ना इसका ऑडिशन इरेज क्यों नहीं किया पर सर मैंने किया था क्या किया था अरे इसे एक्टिंग नहीं आती है क्योंकि गिव मी द रिमोट नाम है चतुर्नाथ नाम है भोलेनाथ नाम है सयानी मैं हूँ सर इसे एक्टिंग नहीं आती पद्मिनी क्यों लड़की में कुछ प्रॉब्लम है क्या अरे नहीं नहीं सर लड़की बहुत अच्छी है सच कहे तो बहुत अच्छी है मैंने 12 सीरियल्स बनाए हैं रोहित कंकर को हीरा बनाया मैंने इसे भी बना दूंगा नाम है भोलेनाथ इससे मेरी मीटिंग फिक्स करवा यू हैव अ नाइस फोटोजेनिक फेस Can you stand up? Thoda ghumiye. मुझे वॉक करके दिखा सकती हूँ इफ यू डोंट माइंड नाइस Let me have a look at you. Jawline is fine. Look at me. Aankhe bhi bahut khoobsurat hai. And Perfect body. मैंने ऑलरेडी कुछ काम किया हुआ है
12 आज तक 12 हीरोइंस को बनाया है मैंने और उनका काम सारी दुनिया ने देखा है जो मैंने उनसे करवाया। Now listen, आज है 12th February, 10th March, 10th March को पैदा होगी पद्मिनी, अप्रैल में एक फ्लैट प्लस एक कार, एंड इन जुलाई पद्मिनी के पास होगा एक लग्जरी फ्लैट एंड अ लग्जरी कार। ये सब किसका है सर? पद्मिनी। ये सब पद्मिनी का होगा सब कुछ, और उसके बाद डांस रियलिटी शोज, रिबन कटिंग, जजिंग कॉन्टेस्ट, यू नो, एंड पद्मिनी विल बी अ सुपरस्टार, एक सुपरस्टार, और चारों तरफ सिर्फ होगा पद्मिनी पद्मिनी पद्मिनी, ऑल ओवर द प्लेस। जस्ट इमेजिन अबाउट दिस। ये पद्मिनी कौन है सर? क्यों, तुम नहीं हो सकती? देखो सीमा, जिंदगी में सब कुछ अचानक ही होता है सीमा। ये सब मेरे नसीब में नहीं हो सकता क्या सर? Let me speak to you honestly. देखो सीमा, ये तो give and take का बिजनेस है। You know what I'm trying to say. मतलब एक हाथ दे और एक हाथ ले। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा सीमा। I'll give you everything. I'll give you पद्मिनी। मैं तुम्हें सुपरस्टार बना दूंगा। But मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? Tell me. सर, अगर आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं भी बेगैरत नहीं हूं। That's like my smart girl. तो मैं अभी रोहित को फोन करता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू कर दे उसके घर पर, क्योंकि अगले हफ्ते चैनल में प्रेजेंटेशन है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पद्मिनी बनो, सिर्फ तुम। अच्छा, एक सेकेंड, लेकिन रोहित सर को तो लगता है कि मुझे एक्टिंग आती ही नहीं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। डोंट वरी अबाउट हिम, मेरा चेला है। मैं दिन कहूं तो दिन, रात कहूं तो रात। जस्ट गेट प्रिपेयर्ड टू बिकम अ सुपरस्टार, ओके? सीमा को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, और वो उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार भी हो गई थी। एक तरफ जहां रोहित ने सीमा को रिजेक्ट किया था, वहीं रवि वर्मा को सीमा में पद्मिनी दिखाई दे रही थी। और इस बात पर रोहित को हैरानी भी नहीं हुई। इसके दो कारण थे, एक तो रोहित को अपने गुरु रवि वर्मा की पारखी नजर पर पूरा भरोसा था, और दूसरे कहीं ना कहीं सीमा रोहित के दिल में अपने लिए जगह बना चुकी थी। जो जो रोहित सीमा को एक्टिंग सिखा रहा था, सीमा का भोलापन, उसकी मासूमियत उसके दिल में घर करते जा रहे थे। रोहित को सीमा से प्यार हो गया था। मुझे नहीं होगा ये सब, मुझे आता ही नहीं है करने में, कैसे करूं ये सब? अरे बाबा, होगा। अरे इतना अच्छा कर तो रही हो, तो क्यों घबरा रही हो? नहीं हो रहा है ये मुझसे। अरे मेरी मेरी बात मान, मैं होगा होगा जरूर होगा, और तुम ही से होगा सीमा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वैसे यार, सुबह से तुम लोग यही कर रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे लगता है कि कुछ खा लेना चाहिए अब। हाँ सीमा, क्या खाओगी बताओ? मुल्तानी कबाब खाओगी? हाँ, I like that. मेरे फेवरेट है। रोहित,
आज मुल्तानी कबाब खिला दो यार। सर मुल्तानी कबाब वो वडाला वाले? हाँ वडाला वाले। सर आपको तो पता है कि वो होम डिलीवरी नहीं देते और 10 किलोमीटर दूर है। सो जाओ जाकर लेकर आओ। अरे मेरे लिए ना सही लेकिन अपनी स्टूडेंट के लिए तो लेकर आओ यार, कम ऑन। ओके लेकिन सर आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। अरे मुल्तानी कबाब के लिए हम लोग 2 घंटे भी वेट कर लेंगे। ओके आराम से आना। तुम इधर आओ। सो मैंने तो अपना वादा पूरा किया, तुम पद्मिनी बन गई समझो, सुपरस्टार पद्मिनी। तुम अपना वादा कब पूरा करो? रोहित को आने में 1 घंटा लगेगा। सो फाइनल सिलेक्शन के बाद। ओह लाइक दैट। हेलो सर, कहाँ हैं आप लोग? यार वो सीमा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, वो कबाब तू खा ले। ओके सर, फाइन। रवि और सीमा के बीच एक समझौता हो चुका था। सीमा के लिए ये समझौता कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का तरीका था और रवि के लिए अपनी नाजायज लालसाओं को पूरा करने का जरिया। लेकिन ये समझौता करते वक्त इन दोनों ने एक बार भी रोहित के बारे में नहीं सोचा। बेखबर रोहित बिना वजह सीमा की महत्वाकांक्षा और रवि की लालसाओं के बीच फंसता चला जा रहा था। सो कंग्रेचुलेशंस, आज से तुम पद्मिनी बन गई। थैंक यू सर, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। नो नो, यू डिजर्व इट। ओके एंड इवन आई डिजर्व अ हग यार। नहीं रोहित, come on, give me a hug. Come on. Congratulations. तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना है। And yeah, wish you all the best. Okay? अरे रोहित, contract sign कराओ भाई। Yes sir. Sir finally, मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। No, you are wrong. बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। बिकॉज डेफिनेटली सीमा एक्टिंग में थोड़ी वीक है, इसीलिए वर्कशॉप ट्रेनिंग ये खत्म नहीं होगा, अभी चालू रहेगा और वो भी तुम्हारे घर पे। या क्योंकि डोंट यू थिंक सो कि रोहित का घर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लकी है? एंड डोंट वरी, आई विल पे यू विजिट्स, यू नो। ओके रोहित, तुम अपने घर की मुझे डुप्लीकेट चाबी दो। कम ऑन, गिव मी योर डुप्लीकेट कीज। नाउ सी, हैव द कीज। ओके सो बी केयरफुल, बहुत मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। ओके आई विल सी यू। हाय। हाय, how are you? Good. Good? रोहित कहाँ है? रोहित चैनल में बैठा हुआ है, सब कुछ अप्रूव हो चुका है और बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है, रात तक नहीं आएगा। वैसे उसे छोड़ो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। You're looking so, so beautiful.
आखिरकार पद्मिनी सीरियल की शूटिंग शुरू हो ही गई। सीमा को जो चाहिए था उसे मिल गया और रवि भी अपने नाजायज इरादों में कामयाब हो गया। उधर रोहित इस बात से बेखबर था कि रवि और सीमा दोनों ही उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कला की दुनिया में कोई भी मुकाम सिर्फ प्रतिभा से हासिल होता है, समझौतों से नहीं। सीमा का समझौता रवि को तो खुश कर सकता था, औरों को नहीं। मॉर्निंग या शोमी। मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। गो बिहाइंड। ओके पॉज। कास्ट कैसे कर दिया? ये तो मेरा सीरियल डुबा देगी। ओके ये क्या किया तुम दोनों ने? कुछ दिनों के लिए यूएस क्या चली गई? तुम दोनों ने मेन लीड फाइनल भी कर दी? अभी अभी राशिस देकर आ रही हूं। सीमा इज सर्टेनली नॉट पद्मिनी। रोहित तुम जाओ। यस। ये सब क्या है शालिनी? तुम रोहित के सामने मुझे ऐसे कुछ भी कैसे कह सकती हो? I don't care. My show is more important. तुमने उसे कास्ट ही क्यों किया? Okay. Anyways, मेरी चैनल से बात हो चुकी है. They have no objections. इसे प्लीज इमीडिएटली रिप्लेस करो एंड रीशूट ऑल हर सीन्स। Are you out of your mind? तुमने चैनल से What are you saying? Just give me some time, यार मैं उससे काम करवा लूंगा। तुम उसे इतना फेवर क्यों कर रहे हो? फेवर नहीं कर रहा हूं मैं शालिनी। तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अच्छा? You know what, रवि? तुम्हारी बातों ने ना मुझे सोच में डाल दिया। Like what? कि तुम्हारा और उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। Which is why you are favoring her. What do you know that? What's rubbish? Listen, darling. पिछला शो सरस्वती की मेन लीड के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। इस बार शायद दोबारा नहीं कर पाऊंगी। एक बात याद रखना, ये कंपनी मेरे पापा की है और अगर तुमने दोबारा कोई भी गड़बड़ की तो तुम्हें इस कंपनी से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें कोई भी कभी भी काम नहीं देगा। राइट बेबी, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। जस्ट काम डाउन। ओके ओके जस्ट सिट सिट हियर। सिट सिट। देखो शालिनी, देयर इज नो वे, आई जस्ट कैन नॉट चेंज अप। लेकिन क्यों? व्हाई? रोहित की वजह से। रोहित की वजह से? शालिनी, रोहित सीमा से बहुत प्यार करता है एंड ही इज मैडली इन लव विद हर। उससे शादी करना चाहता है और सीमा रोहित की ही रिकमेंडेशन। एंड यू नो वेरी वेल यार कि हमारी कंपनी आज जिस भी पोजीशन पे है उस पे रोहित का कितना बड़ा हाथ है, यू नो इट। और देखो मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं सीमा को स्टार बनाऊंगा और उसके बाद उन दोनों की शादी करा दूंगा। एक बार तुम पर भरोसा करके देख लिया मैंने। I don't trust you. Listen, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। If you do it, great. If you don't, finished. भगवान बसता है, प्यार में हारने वाला जीत जाता है। ओके ओके सर। हाँ ओके ओके ठीक है। अच्छी लगती है ना तुझे? अच्छी कौन? अच्छा कौन? रोहित तू शायद भूल रहा है कि मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तेरी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है। चल अब सच सच बता, प्यार करता है ना तू सीमा से? हाँ सर। शादी करेगा इससे? सर शादी
सर इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला मैं अकेला कैसे, और सीमा को भी तो पूछना पड़ेगा। उसकी फिक्र तू मत कर, सीमा से मैं बात करूं। तू बस शादी की तैयारी कर, तेरी शादी कल ही हो रही है, ओके? हरी आप। और सुन, उसके लिए एक अच्छी से रिंग खरीदना, रख ले। अरे सर इसके क्या जरूरत, कमऑन रख ले। अगर मेरा छोटा भाई होता क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं करता? ओके? अरे आप। सर हाँ और कुछ? थैंक यू। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए रोहित से। What? Yeah, seriously. देखो सीमा, मेरी बीवी को मुझ पर शक हो गया, उसे यकीन दिलाने के लिए तुम्हें रोहित से शादी करनी पड़ेगी। You have to. तुमने समझ क्या रखा है मुझे रवि? पहले तुमने मुझसे कहा कि अगर पद्मिनी बनना है तो तुम्हारे साथ बेड शेयर करना होगा, और वो मैंने किया। अब तुम मुझसे कहते हो कि मैं रोहित से शादी कर लूं? What's wrong with you? Baby, relax. Relax. मैं तुम्हें सिर्फ शादी करने के लिए कह रहा हूं। वरना मनो शालिनी ने कह दिया है कि पद्मिनी को रिप्लेस कर दो। अब नहीं, देखो मेरी मम्मी मेरठ में मेरे मामा के साथ रहती है, तो उन्हें इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। क्यों, क्या जरूरत है? अगर इन्फॉर्म करना भी है तो बाद में कर देना। यस सर, पहले पद्मिनी को बचाओ, क्योंकि अगर वो नहीं तुम्हारे साथ तो फिर तुम भी नहीं। इट्स अ ग्रेट डे ऑफ माई लाइफ सर। एक बिन माँ बाप के बच्चे को आपने इतना प्यार दिया, आई मीन आपके लिए तो जान भी हाजिर है। इट्स ओके रोहित, रिलैक्स, संभाल के रखना इसे। चलते हैं, अभी अभी इनकी शादी हुई है, गिव देम अ ब्रेक यार। अरे मैम हमारी फिल्म में छुट्टी कहाँ, सर कल एपिसोड भी तो भेजना है। नहीं इट्स ओके, आज तो इंजॉय कर, मैं संभाल लूंगा। ओके Thank you, sir. Thanks a lot. And congratulations once again. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Badhai ho, aapko bhi. Hello. Sorry, sir. Disturb karne ke liye. Sir, kal ke episode mein thoda problem aa raha hai. रवि सर भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ क्या हुआ? नहीं कल के एपिसोड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और रवि सर का फोन भी नहीं लग रहा, शायद मैम के साथ बाहर गए थे ना। पर फिर आप? अब मुझे ऑफिस जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। विल बी बैक सून। ओके सर
सर कॉफी। सर फुटेज में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मास्टर बेज में। और सर 4 बजे सर को एक लास्ट ट्राई करता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है नॉट रीचेबल, मैं उनसे ही बात करता हूँ। हेलो 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 मैम। रोहित बोलो। वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली सर का फोन नहीं लग रहा था, इट्स वेरी अर्जेंट। सर तो नहीं है यहाँ पे, वो तो कल रात को एडिटर का फोन आया था। प्रॉब्लम थी शायद फुटेज को लेकर, हम लोग बाहर थे वहीं से मुझे टैक्सी करवा के चले गए थे। इन एडिट पे तो मैं रात से हूँ, एडिटर का फोन मुझे आया था। क्या तुम अपनी बीवी को छोड़कर एडिट रूम में क्या कर रहे हो? Go home. Okay. I mean, लेकिन मैम कल का एपिसोड? I'll speak to the editor. चैनल से बात कर लूंगी मैं, तुम जाओ। Okay, okay, fine. Thank you. सोने दो, थक गई हूँ मैं, कल शूट पे भी जाना है। ये ब्रेसलेट भेजा है मुझे वहां से। वो तो कल रात को एडिटर का फोन आया था, बाहर से वहीं से मुझे टैक्सी करवा के चले गए थे। कंकर को हीरा बनाया मैंने, इसे भी बना दूंगा। क्या बात है, यू आर डूइंग रियली वेरी गुड, यू हैव गॉट दैट टैलेंट। आज से तुम्हारा खाना पीना सोना जागना सब कुछ रोहित के घर पर। एंड डोंट वरी, आई विल पे यू विजिट्स। शादी करेगा इससे, उसके लिए एक अच्छी सी रिंग खरीदा। एक्शन। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की मैंने तुमसे, तुमसे प्यार करके। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया पवन? क्या किया था मैंने? मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया था। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं सबको बता दूंगी तुमने क्या किया है मेरे साथ। इतना बड़ा धोखा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि Cut it. Fantastic. Outstanding. अभी भी थोड़ी सी कमी है, लगता है आज क्लास देनी पड़ेगी। रोहित ये सीन आज एडिट हो जाना चाहिए। पर सर ये एपिसोड तो परसों जाना है ना। मैं ये सीन कल देखना चाहता हूँ, इज दैट क्लियर? श्योर सर। एंड यू कीप अप द गुड वर्क, ओके? यू आर डूइंग वेरी वेल, ऑल द बेस्ट।
हाँ बोलो। हेलो मैम, एपिसोड में बहुत प्रॉब्लम है। रवि सर का फोन नहीं लग रहा है। वो रोहित सर फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, मैं दिखती हूँ। मैम। रोहित। हेलो रोहित, तुम रो क्यों रहे हो? सीमा, रवि सर के बीच में अफेयर है। रोहित कहाँ है? रोहित? अरे मैं भी उसी को ही तो ढूंढ रहा हूँ। बेचारा रात भर एडिटिंग में था। फिनिश। रोहित ने सीमा को जी जान से चाहा और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला। उसकी पत्नी के उसके बॉस के साथ नाजायज संबंध थे। वो बॉस जिसे रोहित अपना गुरु या कहें कि भगवान मानता था, उसी भगवान ने उसकी भक्ति को छलनी कर दिया। रोहित यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सारा किस्सा शालिनी को सुनाया। शालिनी भी अपने पति की बेवफाई देख कर शायद अपना आपा खो बैठती। अगर मैं तुमसे कहूं कि यह जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, पर तुम खुद समझदार हो, इसी में ही भलाई है हमारी, इस कंपनी की भी, जो तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत से खड़ी की है। थिंक अबाउट इट। द शो मस्ट गो ऑन, ये जुमला हम अक्सर सुनते हैं, खासकर शो बिजनेस यानी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के संदर्भ में। रोहित की मौत से रवि को कोई खास दुख नहीं हुआ और वो जल्द ही अपनी दुनिया में वापस लौट गया, मानो कुछ हुआ ही ना। वेट। लिसन, देखिए अगर आप लोग इस तरह एक साथ सवाल पूछेंगे तो हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। आप एक एक करके सवाल पूछिए प्लीज। हाँ आप पूछिए। क्या आप बता सकते हैं रोहित ने सुसाइड क्यों किया? देखिए ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रोहित एक बहुत ही नेक और बहुत अच्छा इंसान था, बट वो कमजोर था। He was weak. डेली सोप्स का प्रेशर नहीं ले पाया और उसने खुदकुशी कर ली। रवि जी, अब रोहित की जगह कौन लेगा आपकी कंपनी में? रोहित मेरे छोटे भाई की तरह था, मेरा ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी शालिनी का भी वो भाई की तरह था। मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब मेरी पत्नी शालिनी ही देगी। मेरे पति ने अभी जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही है, रोहित मेरे छोटे भाई की तरह ही था और उसकी जगह शायद ही कोई ले पाएगा, लेकिन एज द इंडस्ट्री मंत्र गोज द शो मस्ट गो ऑन, सो बी इट। रोहित की जगह कोई ना कोई ले ही लेगा मेरी कंपनी में, लेकिन सवाल ये है कि रोहित की जगह लेने की नौबत ही क्यों आई? ऐसा क्या हुआ रोहित की जिंदगी में जो उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? और इस बात का खुलासा देंगे रवि और आप सबकी चहेती सीमा जी। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ प्लीज। क्यों चुप हो जाओ? ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था।
कभी शर्म नहीं आई, अब शर्म क्यों आ रही है? देखो शालिनी, ये तुम जो कुछ कर रही हो ये ठीक नहीं है, ना हमारे लिए ना हमारी कंपनी के लिए। जो तुमने किया वो ठीक था? I have warned you, Ravi. Don't do this. Ladies and gentlemen, मैं अब आप सबके सामने रोहित का वो खत पढ़ना चाहूंगी जो उसने मरने से पहले लिखा था। रोहित कहाँ है? मैं रोहित पूरे होशो आवाज में ये पत्र लिखता हूँ। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया सीमा, और उतना ही आदर मैं रवि सर को देता था, भगवान मानता था उन्हें, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मेरा विश्वास तोड़ दिया, वो विश्वास जिसके सहारे मैं जिंदगी बिता रहा था। जब वो विश्वास ही नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूँ, और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। जुर्म का अंजाम बुरा ही होता है, और यही हुआ इस केस में भी। सावधान इंडिया के जरिए मैं मुंबई नगरी में फिल्मी दुनिया में अपना मकाम बनाने की चाहत रखने वाले सभी नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ आकर अपनी किस्मत आजमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आने से पहले अपनी प्रतिभा को बखूबी पहचानिए, और फिर पूरी तैयारी के साथ आइए, और हर कॉम्पिटिशन हर संघर्ष के लिए तैयार रहिए, और खासकर सावधान रहें उन भेड़ियों से जो आपका शोषण करते हैं। इस केस में शालिनी ने अपने पति के खिलाफ जो कदम उठाया वो काबिले तारीफ है। उसी की वजह से रवि और सीमा को एक बार जुर्म करना पड़ा, और उन्हें रोहित को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 306 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ा। याद रखिए, सच्ची सफलता सिर्फ संघर्ष, मेहनत और लगन से मिलती है, समझौतों से नहीं। इसी नसीहत के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।